Do you always wanted to read the tarot with the perfection, but you don't want to memorize the meanings? Yeah, memorization of meanings of the tarot cards often lead to the confusions and the inaccurate readings. मैं इसको एक बार हिंदी में भी बता देती हूँ जो मेरे फ्रेंड्स हिंदी में कंफर्टेबल हैं. क्या आप लोग हमेशा टैरो सीखना चाहते हैं लेकिन उस चीज़ से बचना चाहते हैं कि यार इन कार्ड्स के मीनिंग्स लंबे लंबे कौन रटेगा? जी हाँ, क्योंकि अगर आप मीनिंग्स रट के रीडिंग करते हैं तो वो हमेशा एक कन्फ्यूज़न पैदा करता है और इनएक्यूरेसी लाता है रीडिंग में. क्यों? क्योंकि जो टैरो का साइंस है वो बेस्ड है एनर्जी साइंस के ऊपर, इंट्यूशंस के ऊपर. एक बहुत ही थिन सी लाइन होती है इंट्यूशन और इमेजिनेशन पे. जब हम इंट्यूशन को ओवरलुक करके अपने इमेजिनेशंस करना शुरू कर देते हैं और उस तरह से हम रीडिंग देना शुरू कर देते हैं तो हमेशा हमारी रीडिंग एक्यूरेट नहीं होती है. और एक चीज़ ये भी समझना ज़रूरी है कि जो टैरो होता है वो खाली प्रेडिक्शन मेकिंग टेक्निक नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ अ गाइडेंस. लाइक ये आपको गाइड करता है कि आपके कर्मास किस तरीके के हैं, किस तरीके से आप अपने कर्मास को बेटर बना के अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं. इसी तरह से अगर आप टैरो को समझेंगे और एक ऑथेंटिक कोर्स करेंगे, एक ऑथेंटिक तरीके से सीखेंगे, तो आप कभी भी अपनी रीडिंग्स में फेल नहीं होंगे. तो अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज भी चलते हैं. जिस तरह से हम अभी अक्रॉस द कैमरा बात कर रहे हैं उसी तरह से हमारी 1-to-1 वीडियो क्लासेस चलती हैं. अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, दिस इज अ लवर्स कार्ड. ये लवर्स कार्ड लाइट चेयर टैरो कार्ड का है. इसी तरह से लवर कार्ड जो इनका मेन टैरो कार्ड होता है राइडर वेट में जो होता है, हमेशा लवर कार्ड्स को एक स्टैंडर्ड रीडिंग करा जाता है कि लवर्स कार्ड आ रहा है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, आपकी लव लाइफ बेटर होगी, आपको लव का सपोर्ट मिलेगा. या फिर आप राइडर वेट में देखेंगे तो उसमें एक एंजल बना होता है तो ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ को एंजल्स ब्लेस कर रही है. बट डू यू नो कि इसके बियॉन्ड इसका बहुत सारे इम्प्लीकेशन होते हैं. हो सकता है कि आपका ये जो टैरो का लवर्स का कार्ड है ये आपके लव लाइफ के लिए ना आ रहा हो रीडिंग, किसी डिसीजन मेकिंग के लिए आ रहा हो, किसी करियर के लिए आ रहा हो, उस समय क्या आप इसका मीनिंग निकालेंगे? अगर मीनिंग रटेंगे तो डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाएंगे. लेकिन अगर आप कार्ड से कनेक्ट करेंगे, आप सही तरह से क्लाइंट की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, सीकर की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, तो आपको वही आंसर मिलेंगे जो यूनिवर्स देना चाह रहा है और जो सीकर के लिए मेंट करता है. तो इसी मेथड को, इसी तरीके को सही से कनेक्ट करने के लिए, सीखने के लिए ऑथेंटिक कोर्स करना ज़रूरी है. चाहे आप मेरे से करें चाहे किसी से भी करें, हमेशा ये ध्यान रखें कि कंटेंट पे और आपको थर्ड आई अटूनमेंट कौन दे रहा है, आपको किस तरीके से सिखा रहा है, आपका मेंटर हमेशा आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है. तो अगर आप मेरे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं. पहले आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, हम बात करेंगे और उसके बाद आप कॉल करिएगा, क्योंकि ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस मैं डायरेक्टली अननोन नंबर से कॉल्स आजकल नहीं ले रही हूँ. तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और आपको जो भी क्वेरीज हैं अपनी तसल्ली करिए और फिर आप ये कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.